इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में आफत की बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है, तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत हम मुंबई से ही करेंगे। मुंबई की बारिश इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। त्वरित अंदाज में समाचार हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन मुंबई में क्या क्या हो रहा है वो अभी देख लीजिए। जगह जगह पानी भर गया है मुंबई में, लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सायन, कुर्ला, बांद्रा में पानी भर चुका है, पटरियां डूबी हुई हैं, लोकल ट्रेन 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। मुंबई में आज भी भारी बारिश हो रही है। आज सोमवार का दिन है, लोग ऑफिस जाते हैं, अपने कामों पर जाते हैं, और ये वो वक्त है, सुबह के 9 बज रहे हैं, ये वो वक्त है जब लोग अपने घरों से निकलकर अपने ऑफिस जाते हैं, और ऐसे में मुंबई थमी हुई है बारिश की वजह से। प्रतिमा, धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है मुंबई की रफ्तार, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर जलभराव साफ तौर पर देखा जा सकता है, और इसका असर लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा है। श्रेया, देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में पटरियां जो हैं वो पानी में समाई हुई हैं, और इसके चलते 15 मिनट की देरी से चल रही हैं लोकल ट्रेनें। सरकार बुलेट ट्रेन की बात करती है, लेकिन ऐसे में जो लोकल ट्रेन्स हैं वो तक 10 से 15 मिनट की लेट से चल रही हैं। सायन, रेलवे स्टेशन हो, चाहे हार्बर हो, चाहे सेंट्रल रेलवे हो, वहाँ पर जो रेलवे हैं वो काफ़ी देर से चल रही हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश से ट्रेन्स जो हैं वो 15 मिनट लेट से चल रही हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित दिखा रहे हैं मुंबई का हाल। मुंबई फिर एक बार जलमग्न हो गई है। बीती रात से भारी बारिश शहर में हो रही है और इसका असर शहर के जनजीवन पर पड़ा है। हम इस वक्त मध्य मुंबई के किंग सर्कल इलाके में हैं, और यहाँ पर आप जिस ओर भी नजर डालेंगे वहाँ पर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जी हाँ, ये नतीजा है कल से जो भारी बारिश हो रही है उसका। ये गांधी मार्केट का इलाका है किंग सर्कल के पास में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कें पानी से डूब गई हैं और इमारतों में ये पानी घुसने लगा है। पानी की निकासी के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर बीएमसी ने मैनहोल को खोल दिया है, लेकिन जितनी मात्रा में बारिश हो रही है, जिस रफ्तार से बारिश हो रही है, उससे ये पानी जल्द निकलता नजर नहीं आ रहा है। और इसका असर ये हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क जो है जाम हो गई है। ये एक प्रमुख सड़क है जो कि मुंबई के उत्तरी उपनगरों को, उत्तर पूर्वी उपनगरों को मध्य और दक्षिण मुंबई से जोड़ती है, और इस भारी बारिश की वजह से, जल जमाव की वजह से ये सड़क जाम हो गई है और ट्रैफिक बड़ी ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। अगर इसी तरह से ये लगातार इसी रफ्तार में बारिश होती रही, इसी मात्रा में बारिश होती रही, तो हो सकता है कि ये सड़क पूरी तरह से ठप हो जाए। और ये उन ठिकानों में से एक है जहां पर हर साल इसी तरह से भारी बारिश के बाद जल जमाव हो जाता है। साल दर साल यही हालत रहती है और साल दर साल इसी तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर सामने की तरफ देखें, मैं आपको बता दूं, सामने की तरफ वहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, अब वहाँ से कोई भी वाहन इस ओर नहीं आ रहा है, वहाँ के वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए लोग किस तरह से निकले हैं अपने कामकाज की जगह पर जाने के लिए, लेकिन क्योंकि घुटनों तक पानी भरा हुआ है इसलिए पैदल चलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। मुंबई के कई इलाकों में इसी तरह का जलजमाव है, मध्य और उत्तर पूर्वी उपनगरों में कई जगहों पर जलजमाव हुआ है, पश्चिमी उपनगरों में कई जगह पर जलजमाव हुआ है, मध्य मुंबई के दादर इलाके में इसी तरह से जलजमाव हुआ है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि पूरा शहर प्रभावित हो चुका है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तो अब आपको मुंबई से बड़ी बातें दिखाएंगे, क्योंकि आपने देखा अभी किंग सर्कल का किस तरीके से हाल बेहाल है, और अब मुंबई में बारिश की बड़ी बातें जान लीजिए। शनिवार से ही लगातार भारी बारिश हो रही है मुंबई में। सायन, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी में जगह जगह पानी भर गया है। लोकल की सेंट्रल हार्बर लाइन पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं, लोकल ट्रेन 15 मिनट की देरी से चल रही हैं, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हाल बेहाल है मुंबई का। घुटनों तक पानी भर चुका है कई कई जगह पर मुंबई में। वही हमारे संवाददाता, जितने संवाददाता हैं वो सभी मुंबई में निकले हुए हैं, भारी बारिश में निकले हुए हैं आप तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट देखिए। साइंस, मुंबई में बीती रात से भारी बारिश हो रही है और इसका असर लोकल ट्रेन की सेवाओं पर भी पड़ा है। हम इस वक्त साइंस स्टेशन के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो चारों ट्रैक्स हैं अप एंड डाउन स्लो लाइन के और अप और डाउन
फास्ट लाइन के जो ट्रैक्स हैं उन पर पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से लोकल ट्रेनों को धीमी रफ्तार से चलाया जा रहा है। बीती रात से भारी बारिश हो रही है और जिस तरह का हाल आप यहां पर देख रहे हैं ऐसा ही हाल मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर है। हमारी जानकारी के मुताबिक लोकल ट्रेनों की जो मेन लाइन है, हार्बर लाइन है और इसके अलावा वेस्टर्न लाइन्स हैं, ये तीनों ही लाइनें भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं। 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं इस जल जमाव की वजह से। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती हैं ये लोकल ट्रेनें। रोजाना करीब 70 लाख के आसपास लोग इन लोकल ट्रेनों से सफ़र करते हैं, अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर बार, हर साल अगर ज़रा भी भारी बारिश हो जाती है तो लोगों को इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, लोग अपने घरों से निकले हैं कामकाज की जगह पर जाने के लिए, लेकिन इस तरह से लोकल ट्रेन डिले हो रही हैं भारी बारिश की वजह से। ये वो शहर है जहाँ से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन जलाए जाने की बात हो रही है, लेकिन इस तरह से जब ये लोकल ट्रेनें मौसम की ही मार नहीं झेल पाती हैं तो सवाल उठता है कि जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि तो देखिए आपने संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की साइंस से ये रिपोर्ट। बिल्कुल, अब आपको दिखाते हैं मुंबई में कहां कहां बारिश हो रही है, पूरा आपको मैप दिखाते हैं। मुंबई में बांद्रा, सांता क्रूज, अंधेरी, हिंदमाता, सायन में, गोरेगांव, बोरीवली और विलेपार्ले में, दादर में ये भारी बारिश हो रही है। बारिश से मुंबई बेहाल है और ये जितने इलाके आप अपने टीवी स्क्रीन पर मैप में देख रहे हैं उन इलाकों में भारी बारिश हो रही है और आप इन इलाकों में अगर रहते हैं तो सावधानी बरतें। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की कुर्ला से ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। हम इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में हैं और यह सड़क कुर्ला और चेंबूर को जोड़ने वाली सड़क है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। आप गाड़ियों को देख सकते हैं, रिक्शा बंद पड़ रही है। वहीं इसके ठीक पीछे आप देखें बेस्ट की बस किस प्रकार से चल रही है। वाहनों के पहिए पानी में डूबे हुए हैं। सुबह लोग काम के लिए निकल रहे हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह जो आप रास्ता देख रहे हैं यह चेंबूर की तरफ जाने वाला रास्ता है और कुर्ला स्टेशन और चेंबूर के बीच जोड़ने वाला यह रास्ता है। बस के अलावा आप देखें तो जो दो पहिए वाहन हो, चार पहिए वाहन हो, वो पानी में इस प्रकार से संघर्ष करते हुए लोगों को जाना पड़ रहा है। तो मुंबई में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। बीती रात से लगातार तेज बारिश होने की वजह से बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। मैं सड़क के किनारे हूँ, ये फुटपाथ है आने जाने के लिए रास्ता, और मैं सड़क के किनारे हूँ और मुझे ही देखें आप तो घुटने तक पानी भरा हुआ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो कुर्ला के अन्य जो इलाके हैं वहाँ भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। बीएमसी ने चेतावनी दी है और कहा है कि यदि आवश्यक ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें। एक राहत की बात यह है कि आज चुनाव होने की वजह से मुंबई के स्कूल और कॉलेज के छात्रों को छुट्टी दी गई है, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे पर बड़ी राहत है कि आज स्कूल और कॉलेज बंद होने की वजह से जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन जो लोग कामों पर जा रहे हैं उन्हें इस प्रकार से संघर्ष करते हुए अपने काम की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। तो मुंबई में आफत की बारिश आई है, अगले 24 घंटे इसी प्रकार से तेज बारिश का अनुमान है। लोगों को इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए जाना पड़ रहा है। यदि गाड़ियां सड़क पर रुक जा रही हैं तो वो बंद पड़ जा रही हैं। निश्चित तौर पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ आज सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है और आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। संवाददाता मृत्युंजय सिंह की आपने रिपोर्ट देखी। एबीपी न्यूज के संवाददाता मुंबई में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, आपको बड़ी कवरेज त्वरित में हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, हिंदमाता से हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित लाइव स्टेटस हमें बताएंगे और साथ ही साथ कुर्ला से हमारे साथ मृत्युंजय मौजूद है। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप तस्वीरों में भी दिखा सके हमारे दर्शकों को कि क्या हालात है वहां मुंबई के, और क्या पहले से स्थिति बेहतर हुई है या अभी भी हालात खराब है वहां के? देखिए, अभी भी हालात जो है खराब ही हैं। जिन जिन इलाकों में पानी भरा है वहाँ से पानी अब तक उतरा नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि 10:38 पर जब हाई टाइड अपने चरम पर होगी उसके बाद पानी जो है रिसीड होना शुरू होगा और फिर समुद्र में ये पानी डिस्पोज ऑफ होगा जो शहर के अलग अलग इलाकों में भरा हुआ है। मैं इस वक्त हिंदमाता इलाके में हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले तक काफ़ी पानी भरा हुआ था लेकिन अब वो पंपिंग करके इस पानी को निकाल दिया गया है। तो हिंदमाता में तो फिलहाल यहाँ जल जमाव की स्थिति नहीं है लेकिन शहर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से शहर प्रभावित हो रहा है। अगर
यातायात की बात करें तो जो प्रमुख रास्ते हैं जो उत्तर और पूर्वी उपनगरों को दक्षिण और मध्य मुंबई से जोड़ते हैं, उन रास्तों पर पानी भरा हुआ है, खास करके किंग सर्कल और सायन में, जहां पर कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लगी हुई है। इस बारे में जानकारी देने के लिए आपके साथ बने रहेंगे जितेंद्र। मृत्युंजय, आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आपके पीछे भी देख रहे हैं कि काफी पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी लगभग लग रहा है, पीछे से महिलाएं भी आपके साथ पीछे जा रही है, कितनी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये तस्वीर किसी तालाब की नहीं है, ये तस्वीर मुख्य सड़क की है जो कि चेंबूर और कुर्ला को जोड़ता है, और इस मुख्य सड़क पर बेस्ट की बसें दौड़ती नजर आती हैं, लोगों के वाहन नजर आते हैं और आने जाने का एक प्रमुख रास्ता है। और इस सड़क की तस्वीर आप देखिए, घुटने तक पानी है और ये जो गाड़ियां हैं यदि इनकी रफ्तार थोड़ी भी कम हुई तो ये जो आप रिक्शा देख रहे हैं इसी प्रकार से तस्वीर देखने को मिलती है, रिक्शा बंद पड़ जा रही है, फिर आगे सड़क के किनारे उनकी मरम्मत होकर किसी तरह से धक्का देकर जा रहे हैं। तो ये सप्ताह के कामकाज के पहले दिन का स्वागत कुछ इस प्रकार से मानसून में हुआ है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, चाहे दो पहिया पर सवार लोग हों या फिर रिक्शे या कार से जा रहे लोग हों। और आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार से घुटने तक पानी भरा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, कुर्ला में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देखिए रिक्शा इनकी बंद पड़ गई है, रिक्शा बंद पड़ गई आपकी, ये मुंबई महानगर पालिका की मेहरबानी, मुंबई महानगर पालिका को दोष देते हैं इसके लिए? बिल्कुल देंगे भाई। तो ये सुबह सुबह काम के लिए निकले हैं, आपके दिन की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई? हाँ थी, पर ट्रेन तो टाइम से थी, पर एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। चलिए, अब ये इनकी रिक्शा बंद पड़ गई है, काम पर जा रहे थे और रिक्शा चालक अब संघर्ष कर रहे हैं और काम पर जाने वाले जो यात्री हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। तो श्रेया, ये तस्वीर है मुंबई के कुर्ला इलाके की, और इसी प्रकार से कुर्ला, चूना भट्टी, सायन, ये जो इलाके हैं लोलाइन इलाके हैं, लेकिन यदि दो घंटे तीन घंटे तेज बारिश हो जाए तो इसी प्रकार की तस्वीर है। आपको बता दें कि पिछले आधे घंटे से थोड़ी बारिश रुकी हुई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पानी नहीं यहाँ से निकला हुआ है, यानी बीएमसी की कितनी तैयारी थी यहाँ पर वो देखने को मिल रही है। आधे अधूरे काम थे, लोगों की हमेशा शिकायत होती है कि जब मानसून जून महीने में आता है तो उसके एक महीने पहले बीएमसी जागती है और थोड़ी बहुत साफ सफाई करती है, फोटोग्राफी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाती है, लेकिन वास्तविक जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। और ये सड़क है, देखने में तो स्विमिंग पूल जैसा लगता है, तालाब जैसा लगता है, और देखिए गाड़ियाँ किस प्रकार से संघर्ष करते हुए आती हैं। एम्बुलेंस आपको दूर नजर आएगी, एम्बुलेंस इस रास्ते से नहीं होकर गुजर रही है, डायवर्जन दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार की तस्वीर मुंबई के कई लोलाइन इलाकों में देखने को मिल रही है। एक राहत की बात यह है कि आज मुंबई में एमएलसी का चुनाव है जिसमें ग्रेजुएट लोग वोट देते हैं, तो ऐसे पर स्कूल और कॉलेज की आज छुट्टियां दी गई हैं, तो बच्चे आज घरों से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन जो लोग कामों के लिए बाहर निकले हैं उनके लिए आज संघर्ष भरा दिन है। और अगले 24 घंटे में इसी प्रकार से तेज बारिश की चेतावनी दी गई है, न केवल मुंबई बल्कि थाने, कल्याण, नवी मुंबई, इन जगहों पर भी तेज बारिश होगी। तो बीएमसी ने जो मैसेज दिया हुआ है कि यदि बहुत महत्वपूर्ण काम ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित घर में रहें, और अगले दो घंटे बाद लगभग 10:30-11 के बीच में समुद्र में 4 मीटर का हाई टाइड होगा। बने रहिए हमारे साथ मृत्युंजय, इस खबर को लेकर, काफी बड़ी खबर है ये, देख रहे हैं हम घुटनों तक ये पानी भरा हुआ है, साथ ही बीएमसी की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। प्रतिमा, बिल्कुल, यहाँ साफ तौर पर उनकी जो हर बार जो वादे और दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हम दिखा रहे हैं मुंबई से बड़ी खबर, मुंबई में बारिश से लोगों को आफत आ गई है, लोग परेशान हैं, 15 मिनट देरी से चल रही हैं लोकल ट्रेन्स। मुंबई बारिश बारिश की आपको बड़ी खबरें बता देते हैं, 24 घंटे में 96 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बता दें कि शनिवार से लगातार बारिश चल रही है, पूर्वी उपनगर में 122 मिलीमीटर तो वहीं पश्चिमी उपनगर में 141 मिलीमीटर बारिश अभी तक हो चुकी है। तो वहीं आज पूरे दिन भारी बारिश से चेतावनी दी गई है, सुबह 10:38 बजे हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। जी आपको बता दें कि लगभग एक घंटे बाद यानी 10:38 बजे हाई टाइड का हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो अब आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, अब चलते हैं चेंबूर जहां से हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। पिछले 12 घंटों से मुंबई, ठाणे और दक्षिण गुजरात में हो रही तेज बारिश की वजह से जनजीवन पर असर पड़ा है। मैं फिलहाल मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेस हाईवे में भी जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों को यहाँ से गुजरने में दिक्कत आ रही है। और मेरे पीछे की तरफ अगर हम दिखाएं तो पीछे की तरफ ट्रैफिक जाम भी हो गया है। ट्रैफिक जाम यानी यहाँ एक्सप्रेस हाईवे पर अमूमन ट्रैफिक जाम कम होता है, लेकिन यहाँ अब जगह जगह जो जल जमा हुआ है एक्सप्रेस हाईवे पर, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो मूविंग है, ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा है और ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। साथ ही में जो बारिश यहाँ लगातार हो रही है, इस बारिश की वजह से
ये होटलों के अंदर तक पानी चला गया है, दुकानों के अंदर तक पानी चला गया है और तेज बारिश यहाँ लगातार हो रही है। बताया जा रहा है कि दक्षिण गुजरात के वापी, वलसाड़, भिलाड़ यहाँ पर तेज बारिश हो रही है, जहाँ से जलजमाव हुआ है। पालघर में कुछ जगहों पर जलजमाव हुआ है, वहीं ठाणे में भी लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर, कई इलाकों पर जलजमाव हुआ है। मुंबई की भी इसी तरह की परिस्थिति है। मुंबई में भी जो निचले इलाके वहाँ जलजमाव हुआ है और मुंबई से ठाणे की तरफ या गुजरात की तरफ जाने वाला ये ट्रैफिक है जो अब धीमी गति से यहाँ चल रहा है और ट्रैफिक जैम की समस्या का सामना इन सभी यात्रियों को यहाँ करना पड़ रहा है। लगातार तेज़ बारिश हो रही है, अब भी लगातार तेज़ बारिश हो रही है। गुजरात की बात करें तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में अगले 48 घंटे में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है और ज़्यादा बारिश वहाँ हो सकती है, ऐसी आशंका मैं डिपार्टमेंट की तरफ से जताई जा रही है। और मुंबई, ठाणे और दक्षिण गुजरात में लगातार बारिश हो रही है जिसका असर जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी किस तरीके से बारिश का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गणेश, जहां पर अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, क्या हालात अभी है वहां पर, क्या स्थिति कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही? जी बिल्कुल नहीं, पिछले एक घंटे से मैं खुद इस ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ। मैं कैमरामैन योगेंद्र को कहूँगा कि बताएं कि ट्रैफिक जाम यहाँ क्यों हुआ है। मुंबई और अहमदाबाद, मुंबई गुजरात को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है, यहीं से सारा ट्रैफिक जाता है और करीब 3 से 4 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। इसीलिए आप देख सकते हैं लोगों को जो है किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोग चल चल कर यहाँ से आ रहे हैं, ऑटो बंद पड़ गई हैं और पूरा ट्रैफिक पीछे की तरफ है। ये गुजरात से मुंबई की तरफ आने वाला ट्रैफिक है और मेरे यहाँ दाई तरफ, मैं बताऊँ कैमरामैन योगेंद्र से कहूँगा कि इस तरफ दिखाएं, ये दाई तरफ का जो ट्रैफिक है ये मुंबई से गुजरात की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद पड़ा है, गाड़ियाँ यहाँ रुकी पड़ी हैं और ये जल जमाव यहाँ हुआ है। भाईंदर वैसे के आसपास का ये परिसर है और यहाँ पर आप देखिए पिछले एक घंटे से हम भी यहाँ खड़े हैं और ट्रैफिक यहाँ पर नहीं चल रही, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे बस हो गई, ट्रक, टेम्पो हो गए, वो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं क्योंकि उतना पानी नहीं भरा है, 3 फीट तक है, टायर सबमर्ज नहीं होता है। लेकिन अगर छोटी गाड़ियों की बात करें तो छोटी गाड़ियाँ इस पानी से नहीं गुजर सकती हैं और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए मेरी बाईं तरफ जो देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी पड़ी हैं वहाँ पर। पिछले एक घंटे से ये यहाँ गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं। ये पूरा स्ट्रेच, ये पूरा पैच जो है ये एक 100-200 मीटर का पैच है जहाँ पूरा जलजमा हुआ है और इसी वजह से जो CNG के ऑटो हैं वो बंद हो गई हैं, वो उनको खींच कर यहाँ से ले जाना पड़ रहा है, ऑटो चालक खींच के यहाँ इस पानी से ले जा रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ बंद हुई हैं वो दाईं तरफ लगाई गई हैं और ये पानी जो यहाँ भरा है उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है मुंबई अहमदाबाद को जोड़ने वाली वो अब यहाँ रुक गई है। इसी तरह आगे की तरफ भी कुछ पानी जल जमाव हुआ है लेकिन इस तरह का जल जमाव नहीं ऐसा बताया जा रहा है और ये मुख्य सड़क है। अगर इसी तरह ये पानी यहाँ रहा, कुछ देर तक रहता रहा और पानी यहाँ बारिश ज़्यादा हुई, पानी ज़्यादा भरा, तो मुंबई और अहमदाबाद एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और वहाँ आवाजाही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे पानी यहाँ कम हो ज़रूर रहा है लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं जिनका इंजन नीचे होता है वो यहाँ से गुजर नहीं पा रही हैं। बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक जो हैं वो किसी तरह प्रेशर डाल के, एक्सीलेटर दे के यहाँ से ज़रूर निकल रही हैं। कुछ लोग गाड़ी बंद करके यहाँ से उसे खींच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, लेकिन जो एक घंटे से तस्वीर आपको बता रहा हूँ, एक घंटे तक यहाँ से एक भी गाड़ी, जो छोटी गाड़ियाँ वो यहाँ से नहीं गई हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक पीछे की तरफ लगा गया है। और आपको बता दें प्रशासन की तरफ से यहाँ अब तक कोई मदद नहीं आई है, कोई पुलिस वाले नहीं है, पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं लेकिन यू टर्न लेने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है, ना ही जो है यहाँ से कुछ लोगों से बात करते हो जहाँ यहाँ से गुजरते आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो, कितने दूर से आ रहे हो आप? मैं यहाँ से टुंगारपाटा से आया हूँ। ट्रैफिक कितना लंबा है? ट्रैफिक बोले तो अपने जो नया ब्रिज बना है ना वहाँ तक ट्रैफिक है, वहाँ तक है। अभी गाड़ी तो एक घंटे से नहीं चल रही है यहाँ पे ना, सब गाड़ियाँ रुक गई यहाँ पे। कितना दूर ट्रैफिक है यहाँ पे? यहाँ से लगभग अपना फाउंड, अपना ये जो आगे वाला ब्रिज है वहाँ तक पूरा ट्रैफिक जाम है और यहाँ पे सिर्फ पानी भरा पड़ा है, बाकी किधर नहीं, पानी नहीं भरा है। तो ये जो कनेक्टिविटी यहाँ रुक गई है उसकी वजह से यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, गाड़ियाँ यहाँ से नहीं निकल रही हैं। आप देख सकते हैं एक बाइक सवार यहाँ कोशिश
जरूर कर रहे हैं इस अपनी बाइक को यहाँ से पानी से ले जाने के लिए, लेकिन पानी जो है वो उनके इंजन तक जा रहा है, किसी तरह वो ये स्ट्रेच पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह लोग जो एक घंटे से यहाँ फंसे हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारिश हालांकि थोड़ी धीमी हो गई है, इसीलिए उनकी कोशिश जारी है कि यहाँ से किसी तरह बाहर निकल पाएं, क्योंकि अगर यहाँ फंस गए तो यहीं फंसा रहना पड़ेगा। और ये तस्वीर मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे की है, इसी तरह की तस्वीरें हमने ठाणे में भी देखी, मुंबई में भी गोरेगांव की तरफ ट्रैफिक जल जमाव था, लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक जाम होना या ट्रैफिक रुकना बहुत महत्वपूर्ण है बात है, क्योंकि अगर ये ट्रैफिक मूव नहीं हुआ तो मुंबई अहमदाबाद कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा और जो ट्रैफिक है वो कई किलोमीटर दूर तक जाएगा, जिसकी वजह से जो समस्या है वो जो लोग इस रूट पर चल रहे हैं उनको घंटों इस ट्रैफिक जाम में फंसा रहना पड़ सकता है। बारिश हालांकि धीमी हो गई है लेकिन पानी पंप आउट करने की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, पानी अगर यहां से निकला तो छोटी गाड़ियां यहां से जा सकती हैं। आप देख सकते हैं छोटी गाड़ियां सभी यहां पर लग गई हैं, ये देखिए बाईं दाईं तरफ सभी लोग जो हैं छोटी गाड़ियां यहां पर लगा के खड़े हैं, ताकि इस उम्मीद से कि बारिश कम हो पानी कम हो जाए तो वो यहां से निकल पाए, लेकिन अब लोगों का जो लोगों के पेशेंस सब्र है वो भी अब जवाब देने लगा है, इसीलिए लोग अब कोशिश करने लगे हैं कि यहां से किसी तरह बाहर निकलें, लेकिन अगर गाड़ी यहाँ फंस गई तो उसे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। पुलिस हालांकि एक गाड़ी हमें यहाँ दिख रही है, पुलिस के लोग कुछ यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस पानी को यहाँ से ड्रेन आउट करना बहुत जरूरी है। अगर इस जानकारी के लिए धन्यवाद, इसी तरह ठप हो जाएगी गणेश और बंद हो जाएगी। हमें इस तरह मुंबई बारे में जानकारी आप देते रहिएगा, आपको बता दें कि 10:38 पर हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। मुंबई में पूरी तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमएलसी का चुनाव है इसलिए स्कूल कॉलेजेस को तो बंद रखा गया है, लेकिन जो लोग अपने ऑफिसेज जा रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।